इसके बाद जब आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि क्रॉप करनी हो आपको या फिर उसकी जो बॉर्डर है, जैसे हम यहाँ से बॉर्डर ले लेते हैं उसकी, तो आप देखेंगे ब्लैक में उसकी बॉर्डर दिख रही है आपको, उसकी बॉर्डर का कलर चेंज करना तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा ही मोटी हो गई, अपन थोड़ी पतली ले लेते हैं, अब दिख रही है। फिर यहाँ से डैशेस में लेनी हो आपको बॉर्डर, तो ये सारे आपके पिक्चर्स के लिए फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन आ जाते हैं, ये इमेज ऑप्शन। तो यहाँ से आपको ये टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यही ऑप्शन आपको वर्ड में मिलता है। इसके बाद हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। फिर यहाँ पे रहता है आपको अलाइन, आप इसके ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड रखना है टेक्स्ट, सेंटर में रखना है, या राइट साइड या जस्टिस साइड। जैसे हम इस इमेज को हटा देते हैं, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट किया, अब आप यहाँ से क्या करेंगे टेक्स्ट को जैसे सेंटर में लेना तो सेंटर में आ जाएगा। फिर यही ऑप्शन आपको राइट क्लियर रहता है, यहीं पर आपको जस्टिफाइड करें, जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपने ऑफलाइन भी किए हुए थे, जब हमने रिज्यूम फॉर्मेट बताया था तब भी हमने ये ऑप्शन बताए थे आप। इसके बाद ये स्पेस रहता है कि लाइन स्पेस कितना रखना है आपको, तो यहाँ से आपको जितना भी लेना हो, और यहाँ पे क्या करना है ऐड बिफोर करना हो, ऐड आफ्टर करना हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से डबल लेना चाहते हैं तो डबल कर देंगे, और सिंगल लेना है तो सिंगल कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको कर चेक बॉक्स लेना हो, आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे अपन कुछ रीड करते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट इस टाइप से शो हो जाएगा, मतलब आप इसमें वर्क कर चुके हैं। नहीं लेना तो आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल से और सेलेक्ट किया, आपको रिमूव करना है तो जहाँ से आपने अप्लाई किया था उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है बुलेट, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको आपको पैराग्राफ में बुलेट्स देनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं देनी तो आप इसे हटा देंगे। फिर यहाँ पे रहता है आपको उसकी लिस्ट तैयार करनी, आप पैराग्राफ में आ रहा है, अगर आप यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन लिखते हैं उसके चार ऑब्जेक्ट देते हैं ना, उस टाइप से यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको लेना है आप ले लेंगे, रिमूव करना है तो इसे हटा देंगे। फिर आप इस पर क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे राइट साइड आता जाएगा, इस पर क्लिक करते जाएंगे तो लेफ्ट साइड, और अगर आप इस पर क्लिक करें तो सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, तो आ जाएंगे आपको ये ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपको रहता है शेयर करने के लिए, हम इस डाटा को डिलीट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे रहता है शेयर के लिए, शेयर पे आप क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे ये ऑनर है, मतलब इनके आईडी से ऑनर है ये, और आपने किन किन को शेयर किया वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये सभी जिन जिन को हमने मेल किया वो एडिटर है, अगर हम इनको व्यूअर करना चाहते हैं तो एडिटर ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे व्यूअर देंगे तो ओनली इसको क्या कर पाएंगे, ये देख पाएंगे, कुछ भी नहीं टाइप कर पाएंगे, और अगर हम कमेंट करेंगे तो कमेंट दे सकते हैं, और अगर हमें इनके तरह से रिमूव करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिमूव एक्सेस आ रहा है, तो आप मेल कर मतलब शेयर करने के बाद भी उसको रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर देंगे। तो हमने जिसके पास से इसे रिमूव किया है उनके पास मैसेज तो रहेगा, मतलब हमने जो मेल की है वो मैसेज तो रहेगा, बट वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी फाइल आपकी, मतलब डिलीट कर दिया उसे, तो ये ऑप्शन रहते हैं, आ जाएगा आपको वो तो आ ही जाएगा। इसके बाद हमने इस डाटा को डिलीट कर दिया है, हमें पूरा ही डाटा वापस लाना है, तो हमने अभी आपको जस्ट बताया था हिस्ट्री, आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए इस टाइप से आपको ये डिलीटेड बता रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस बता रहा है, मतलब आपका डाटा नहीं है आपके पास, लेकिन ये पहले था। फिर यहाँ पे आपको इस थोड़ी देर पहले का डाटा लेना हो आपको, या उससे पहले का लेना हो, ये फॉन्ट चेंज हुआ था, तो आपको यहाँ पे जो भी डाटा लेना है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें, और यहाँ पे हम यही ले लेते हैं, या फिर जैसे हमें ये लेना है, अभी आपको देखिए ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ, क्यों, क्योंकि ये डिलीट गया इस टाइम पे, तो यहाँ पे ये रीस्टोर दिस वर्जन का ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो भी यहाँ पे डाटा लेना है तो आप वहाँ से रीस्टोर कर देंगे, वो फॉर्मेटिंग वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। पूछना ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ पे जैसे कि एमएस वर्ड में मिलते हैं होम इंसर्ट डिजाइन फाइल, तो यहाँ पे भी दिए गए हैं, अब जैसे कि ये जो डाटा है इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, तो आप ये फाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिलता है, तो डाउनलोड में आपको किस में करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है या फिर ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। जैसे आप पीडीएफ में से डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पीडीएफ में जो आपने ऑनलाइन डाटा बनाया हुआ है वो पीडीएफ में ऑटोमेटिक सेव होकर डाउनलोड हो जाएगा आपका। अब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए पीडीएफ में आ जाएगा डाटा ऑनलाइन में, ये भी अच्छा रहता है
लेकिन आप ऑफलाइन में करते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है, तब तो आप पीडीएफ में कर पाते हैं। यहाँ से आपका डाटा तो आपका वर्ड में ही रहेगा, लेकिन आप उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ में या वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी और फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारी ऑप्शन दिएगा, अपन यहाँ पे इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट में आपको इमेज जो अभी जस्ट अपन ने की थी, फिर यहाँ पे टेबल लेनी हो आपको, टेबल आ रही थी, यहाँ से आप टेबल भी ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो आपने ऑफलाइन में किए हुए हैं, तो आप लोग देख लेना किस टाइप से आपको करना है। यहाँ पे चार्ट लेनी हो, किस टाइप की चार्ट लेनी हो, यहाँ से कॉलम बारी लेनी हो, ये चार्ट आ जाएगी। इस पे क्लिक था आपके सेल्फ, इस सेल्फ पे चार्ट आ गई, बहुत छोटी सी दिख रही होगी आपको। बाकी आपको इमोजी लेना हो और यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बुक मार्क देना हो, वाटर मार्क लगाना हो, वाटर मार्क भी हमने आपको बताया। बस उसमें ऐसा था कि अलग अलग ऑप्शन अलग अलग टैब में मिलते थे, इसमें आपको एक दूसरे के टैब में हो सकते हैं। ठीक, तो इसे हम हटा देते हैं, आ जाएगा सभी को। इसमें और कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, या फिर वर्ड में कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, कल से आपका एक्सेल का बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसे आप पूरा ही क्या डिलीट करना चाहते हैं, जी थ्री डॉट्स हैं इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और इसे रिमूव को प्रेस कर देंगे, फिर रिमूव हो जाएंगे। हटा दें,